माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5 ए हैप्पी चाइल्ड जो आपकी रेनबो क्लास 4th से लिया गया है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये पाठ और ये कविता जो है, माय हाउस इज रेड ए लिटिल हाउस, मेरा घर लाल रंग का है, ए लिटिल हाउस एक छोटा सा घर, ए हैप्पी चाइल्ड आई एम आई और मैं एक खुश बच्चा हूँ, आई लव एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे, मैं हंसता हूँ, मैं प्रसन्न रहती हूँ, एंड प्ले एंड लाइव लॉन्ग डे, पूरे दिन खेलती हूँ, आई हार्डली एवर क्राई, मैं मुश्किल से ही कभी रोती हूँ, आई हैव अ ट्री, मेरे पास मेरे घर के पास एक पेड़ है, ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा हरा पेड़, टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो मुझे सूरज से छाया देता है, एंड अंडर इट और इसके नीचे, इट ऑफन सेट, आई ऑफन सेट, मैं प्रायः बैठती हूँ, व्हेन ऑल माय वर्क इज डन, जब मेरा पूरा कार्य हो जाता। तो बहुत ही सुंदर सा ये जो आपका लेसन यानी कि पोएम थी कि माय हाउस इज रेड ए लिटिल हाउस ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, आई लव एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे, आई हार्डली एवर क्राई, आई हैव अ ट्री, ए ग्रीन ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन, एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, व्हेन ऑल माय वर्क इज डन। सो हार्डवर्क देखते हैं, हार्डली मुश्किल से, शेड मीन्स छाया, ऑफन मीन्स प्रायः। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द हैप्पी चाइल्ड्स हाउस, उस खुश बच्चे का घर कैसा, रेड कलर। व्हाट डज द चाइल्ड डू ऑल डे लॉन्ग, प्ले ऑल डे लॉन्ग, ही ऑफन सिट इन अंडर द ट्री, व्हेयर डज द चाइल्ड सिट व्हेन हिज वर्क इज डन, अंडर द ट्री, व्हाट सेट्स द चाइल्ड फ्रॉम द सन, व्हाट सेट, ट्री सेट्स, छाया देता हो, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती, लकड़ी मिलती, छाया मिलती, दवाइयाँ मिलती, बहुत सारी चीज़ें मिलती, अगर पेड़ नहीं होते तो फिर क्या होता। और एक वो कविता भी आपकी क्लास में जो है कि अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, हाउ आर द ट्री यूजफुल टू अस, हमारे लिए पेड़ कैसे लाभदायक है, तो मैंने बता ही दिया। मैक ग्रुप्स ऑफ द वर्ड टूगेदर एंड राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, ए व्हाइट ब्यूटीफुल लवली, ए सिल्क ग्लोइंग स्पार्किंग, सीड फ्लावर, आई विंग्स, चीक एक्स। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ए व्हाइट सीट, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लवली आई, ए सिल्क विंग्स, ग्लोइंग चीक्स, स्पार्किंग एक्स। तो ये यहाँ पर आपको ये सब इस ग्रुप से लिखना है। और चलिए कुछ इसकी एक्टिविटीज भी देख लेते हैं, लेट्स डू, रीड द फॉलोइंग मैसेज एंड अंडरलाइन द वर्ड एक्सप्रेसिंग इमोशंस, टुडे इज राजू बर्थडे बट ही सैड, तो सैड जो है दुखी है, इमोशन है, एंड इज एंगर सिस्टर रोशनी सिक, ऑल द फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट हिम आर इन द हॉस्पिटल, ही इज एंग्री, एंग्री भी एक प्रकार का इमोशन है, सो इट इज नाइट टाइम, इज फीलिंग स्लीपी, तो ये भी एक्सप्रेशन है इमोशन, सडनली ही हैड ए नॉक एट द डोर, तो इसको आप पढ़िए, स्कैर्ड, भयभीत हो गया, कि ये भी एक इमोशन। तो देखिए यहाँ इमोजी से आपको दिखाया गया है, ये देखिए दुखी है, ये हंस रहा है, ये फीवर में है, ये एंग्री हो रहा है, ओहो आश्चर्य, और ये जो है इमोशंस। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए पाठ के साथ, नई कविता या फिर किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, चैनल से जुड़ जाएं क्योंकि यहीं पर पढ़ने को मिलेंगे आपको अब आगे भी अपने सभी पाठ और कविताएं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।